नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आनंदी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मेरा नाम आनंदी छाजीड़ है। आज हम सीखेंगे कि घर पे पड़ी चीज़ों से हम कैसे राखियाँ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको ज़रूरत होगी कोई भी शाइनी कपड़ा, लेस, उलन थ्रेड और कोई भी अट्रैक्टिव एक्सेसरी पीस हो जो अपने पिन से निकल गया हो या बकल से निकल गया हो। जैसे ये टेडी का पीस मेरे बच्चे की हेयरबैंड से निकल गया था। अब सबसे पहले हम कपड़े को कट करेंगे रेक्टेंगल शेप में। मैंने यहाँ पे ये नारियल की जो थैली होती है वो लिया है। आप चाहें तो कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, जो भी शाइनी कपड़ा आपके घर में अवेलेबल हो। अब हम इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए, और उलन थ्रेड से बांध लेंगे। अच्छे से टाइट से नॉट दे दीजिए और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लीजिए। ये बन गया अपना बो, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब लेस लीजिए और अपने हाथ से मेशर कर लीजिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें ताकि बांधते समय छोटा ना पड़े। अब लेस के बीच में ग्लू लगा के चिपका दीजिए हमने जो बो बनाया था। अब इसके ऊपर ये जो अट्रैक्टिव पीस है उसे लगा दीजिए। ये बन गई अब हमारी राखी, देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। अब मैं आपको एक और तरह की बताऊंगी। इसमें हम वेलक्रो यूज़ करेंगे। वेलक्रो का छोटा सा पीस काट लीजिए और इसमें लेस भी कम यूज़ होती है। वेलक्रो को ऐसे सेपरेट कर दीजिए और फिर लेस के एक साइड लगा दीजिए, उसके ऑपोजिट साइड में दूसरे वाले पीस को भी लगा दीजिए। ताकि हम अच्छे से पहना सकें इस तरह से। अब उसी तरह जो हमने बो बनाया था वैसे लगा के और भी जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई पिन से निकल गया हो या कोई बकल से निकल गया हो, उस चीज़ को लगा लीजिए। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें अब हमारे घर में रहती हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल राखियाँ बनी हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करती रहूंगी और आपका साथ मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।